मापदंड है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। तो ये देखो व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए दिया गया था 20 और 21, 21 जीवन का अधिकार या प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता दी गई थी, इसमें भी व्यक्ति को जीवन से संबंधित स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपना जीवन अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और इस तरीके से इसमें भी ये स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई थी। अब देखिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 ए और जोड़ दिया गया है इसी अधिकार में, और 21 ए क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि दिसंबर 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, और इसी में जीवन के अधिकार में या प्राण दैहिक वाली स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ दिया गया क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क दी जाएगी। तो ध्यान रहे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य दी जाएगी, वो किस मूल अधिकार में जोड़ा गया है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान रहे जीवन के अधिकार या प्राण दैहिक स्वतंत्रता वाले मूल अधिकार में इसको जोड़ा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 22 जो है जो व्यवस्था करता है बंदी के संरक्षण वाली, बंदी उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकता है, यदि किसी व्यक्ति को बंदी संरक्षण का के तहत वो पूछ सकता है, उसको बंदी बनाया गया है उससे पूछ सकता है कि मुझे किस अपराध के लिए बंदी बनाया गया है। दूसरी जो उसे मूल अधिकार दिया गया है वो ये दिया गया है कि वह व्यक्ति कानूनी सलाह ले सकता है, क्या ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है, कानूनी सलाह लेने की उसे स्वतंत्रता दी जाती है, कानूनी सलाह ले सकता है, अपना वकील कर सकता है। और नंबर 3 जो इसके तहत दिया गया है वो कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना होगा। यह कहा गया है कि यातायात में जो समय लगा है उसको नहीं गिना जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तो देखिए ये हुए हमारे स्वतंत्रता का मूल अधिकार जिनका वर्णन 19 से 22 में किया गया है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है कि भारत में प्रारंभिक काल से ही व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण किया जाता था, व्यक्ति से बेगार ली जाती थी, जबरदस्ती बलात्श्रम करवाया जाता था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए भी एक व्यवस्था की, शोषण के प्रति मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 23 से 24 में है। अब देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था लेकिन आपको अच्छे से समझ आए इसलिए पुनः मैं इसका दोहरण कर रहा हूं। 23 में कहा गया है मानव के क्रय विक्रय पर रोक, क्या अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के क्रय विक्रय पर रोक, व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं करेगा। ऐसे यदि कोई जालसाजी मामले में कोई पकड़ा जाता है तो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ठीक है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसमें क्या कहा गया का था कि मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, बेगार का मतलब होता है बेगार मजदूरी दिए हुए व्यक्ति से काम करवाना क्या कहलाती है, बेगार कहलाती है। आज भी आपको पता है बदुआ मजदूर है ना, पहले बेगार ली जाती थी, भाई फला पटेल के यहाँ काम होगा, वहां राजा के काम होगा, वहां जागीरदार के काम होगा, लेकिन अब बेगार परिश्रम दे, देखो हमारी सरकार ने काम के घंटे निश्चित कर दिए गए हैं, काम अनिवार्य काम के घंटे निश्चित कर दिए गए हैं, और जो अनिवार्य काम के घंटे निश्चित किए गए उतनी उसको परिश्रम मजदूरी मिलनी चाहिए। इनके अलावा व्यक्ति बिगर परिश्रम मतलब मजदूरी लिए बिगर किसी से कार्य नहीं करवाएगा, और करवाएगा तो वो क्या आएगा, कानूनी अपराध आएगा। अनुच्छेद 24 कहता है
देखो, बाल श्रम पर रोक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में आप नहीं लगा सकते हैं, जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते आप। इस तरीके से हमने कई बार देखा है कि हमारे देश में आर्थिक विषमताएं और बहुत है, गरीबी के कारण छोटे बच्चों को कई होटलों में लगा देते हैं, कई रेस्तों में लगा, भोजनालय में लगा देते हैं, कई सड़क पर भीख मांगते देखे जाते हैं। तो इस तरीके से 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को इस तरीके का नहीं लगा सकते, और यदि पाया जाता है तो उस मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मुझे आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा,